इधर सरायकेला पुलिस ने 500 के 9 नकली करेंसी के साथ 2 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए जालसाजों में एक पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का रहने वाला इनामुल शेख है, जबकि दूसरा जमशेदपुर का कुख्यात स्क्रैप सरगना मोहम्मद चांद है। सरायकेला सर्किल इंस्पेक्टर शंभु प्रसाद गुप्ता ने बताया कि इनामुल चिकन खरीदने गया था, तभी दुकानदार को शक हुआ। उसके बाद स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। एक मुर्गा दुकान पर दो लोग गए थे मुर्गा खरीदने। दुकानदार को 14 पीस मुर्गा के बदले 4,500 रुपया दिए। दुकानदार जब पैसा वैसा लेके जो तुरंत निकल गया, तब दुकानदार को ध्यान में आया कि लगता है ये नोट गड़बड़ है, जाली है। तो देखा, फिर अपने अगल बगल के दुकानदार लोग को बोला, पूछा तो बोला कि हाँ ये तो गड़बड़ है, नकली लगता है। फिर वो लोग उसको बाजार में खोजने लगे, तो थोड़ी दूर के बाहर जाने पर वो आदमी मिला। जाँच के क्रम में ये पता लगा कि वो व्यक्ति दो व्यक्ति जो हैं मोहम्मद चांद और मनीरुल शेख, वो यहाँ सरायकेला में भाड़े में रहते हैं। वो दोनों ने जाली नोट देके दुकानदार को चुने। तो मैं लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।